ब्लॉक्स दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि अभी लोकेट है चेन्नई में, उसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं और इसमें हम सारे चीज़ कवर करेंगे, जैसे कि उसमें प्लेसमेंट वगैरह और एडमिशन से रिलेटेड भी कि कैसे वहाँ पर एडमिशन करवा सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी का जो रैंकिंग किस किस आधार पर है, फ़ी स्ट्रक्चर कौन कौन से डिपार्टमेंट पे वहाँ पर अवेलेबल हैं, उसके बाद कॉलेज का अभी किस तरीका का मतलब वहाँ पर कल्चर है, उसके बाद मेस का भी उसमें हम बताएंगे, इवेंट भी हम दिखाएंगे, यानी ओवरऑल इस वीडियो में आपको सारा चीज़ कवर करने वाले हैं। और एक वीडियो देखने के बाद इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ क्वायरी भी आपको पास नहीं रहेगा, अगर कुछ रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए और हम आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये लोकेट कहाँ पे है। तो दोस्तों ये लोकेट है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 36 किलोमीटर दूर पे, और ये समुद्र से ज़्यादा दूरी नहीं है, 10-15 किलोमीटर ही दूर हो। वहाँ का एयरपोर्ट है जो 32 किलोमीटर है, चेन्नई एयरपोर्ट। और इस यूनिवर्सिटी को शॉर्टकट में हिट्स भी कहते हैं, HITS, ये शॉर्टकट नाम। एडमिशन प्रोसेस की बात की जाए तो एडमिशन है जो यहाँ पे इनके रैंक के PG के लिए है, जो इनके खुद कंडक्ट करवाते हैं एग्ज़ाम, तो वहाँ से आप करवा सकते हैं। और आप है जो अगर PG से नीचे का एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। स्ट्रक्चर की बात हम की जाए तो चलिए फी स्ट्रक्चर आपको कंप्यूटर पर हम आपको दिखाएंगे और बारी बारी से सारे चीज़ हम आपको दिखाएंगे, इवेंट कल्चर फेस्ट भी उसमें हम दिखाएंगे। तो चलिए अब हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस जो कि चेन्नई में है लोकेट, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा कैंपस है, कैंपस एरिया इसका आप देख सकते हैं इस वीडियोस में। इसका है जो टोटल दूरी यहाँ पे पड़ेगा आपको हम पहले ही बता चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी चेन्नई का पॉपुलर यूनिवर्सिटी में आता है, इसका स्थापना है जो 1985 में हुआ था। ये 115 एकड़ में इसका पूरा ऑल कैंपस है, तो कैंपस भी ठीक ठाक ही है। यहाँ पे बहुत सारे इंजीनियरिंग का भी ब्रांच यहाँ पे करवाए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियोस में देख रहे हैं। टोटल रैंकिंग की बात की जाए तो 107 पोजीशन पे आता है NIRF रैंकिंग। इसमें काफ़ी सारे बसेस भी चलती है जो कि सिटी से कॉलेज की तरफ जो भी आते हैं, जो फैकल्टी लोग, वो इस बसेस के थ्रू आते हैं यहाँ पर। आगे हम वीडियोज़ में बात कर रहे होंगे जहाँ की इसका दूरी बताया गया है, रेलवे चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से अबाउट 36 किलोमीटर दूरी पड़ता है यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए, और चेन्नई एयरपोर्ट से 31 किलोमीटर इसका दूरी है, तो आप दोनों जगह से कहीं से भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। अब बात की जाए यहाँ पे हम रिव्यू कंटेंट में करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप, फैकल्टी एंड फैसिलिटी और हॉस्टल मेस। तो चलिए पहले हम कोर्सेज की बात की जाए। यहाँ पे कोर्सेज की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्स करवाए जाते हैं और इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे कोर्स करवाए जाते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। MTech और BTech के लिए तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, BA BCA के लिए भी कोर्स है, PhD एंड लॉ के लिए भी यहाँ पे एक कोर्स है, और यहाँ पे आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस के लिए हम समझ लेते हैं पहले। एडमिशन प्रोसेस के लिए UG और के लिए कोर्स भी करवाए जाते हैं, जिसका हिट्स सैम एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। PG के लिए भी गेट मेरिट बेस्ड पे भी एडमिशन होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है इस यूनिवर्सिटी में। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम आगे। तो प्लेसमेंट रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा फास्ट हमको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे NIRF रैंकिंग का जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे इस कॉलेज पे अप्लाइड होता है, और ये डीमेड यूनिवर्सिटी है, ये सारा काम खुद ही करती है, जो भी क्वेश्चन वगैरह बनाना, और बहुत सारे कॉलेज भी इससे एफिलेटेड है, तो समझ सकते हैं ये एक बहुत ही पावरफुल यूनिवर्सिटी है। BTech के लिए देखिए यहाँ पे 2019-18 का जो पैकेज है 3.25 लाख गया है पर एनम। MTech के लिए 3.60 लाख गया है, और बी आर्किटेक्चर के लिए गया है 3.80 लाख पर एनम। यहाँ पे प्लेसमेंट समरी आप लास्ट 3 एकेडमिक ईयर्स में देख सकते हैं। यहाँ पे 456 यानी 456 स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट लगा था, 780 का प्लेसमेंट रेट है, और प्लेसमेंट परसेंटेज भी आप देख सकते हैं कि 16-17 के बीच प्लेसमेंट कम था। यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनियाँ भी आती है, जैसे कि अमेजोन, इन्फोसिस, IBM, इतना तो सारा सर दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे एनुअल फंक्स भी कराया जाता है, यारोना करके एक वहाँ पे फेस्ट करवाया जाता है जो कि हर साल होता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ज़्यादा जो सिंगर लोग और भी जो फेमस हीरो भी आते हैं यहाँ पे, मतलब कि इवेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में हम साफ साफ देख सकते हैं। तो काफ़ी ये बहुत बड़ा इवेंट होता है।
अब हॉस्टल मेस की बात की जाए तो हॉस्टल मेस के लिए यहाँ पे हॉस्टल का जुपिटर हॉस्टल एक बॉयज हॉस्टल रखा गया है। यहाँ पे नॉन एसी एंड एसी दोनों कमरा अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं 2-seater, 3-seater। और यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल के लिए एक जुपिटर हॉस्टल है, हॉस्टल फ़ी आप देख सकते हैं, अटैच्ड बाथरूम है, डबल है, शेयरिंग एसी रूम है, 1,75,000 फ़ी है। और गर्ल्स के नॉन एसी के लिए 1,20,000 है इसका फ़ी स्ट्रक्चर। जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो कि बीटेक के लिए है, और फर्स्ट ईयर का फ़ी है 1,75,000, ट्यूशन फ़ी है, और काफ़ी है जो यहाँ पे फ़ी दिखाया जा रहा है, जो भी ईयरबड्स है आप पॉज करके भी इसको आप देख सकते हैं वीडियो को। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। बीकॉम के लिए है, बीबीए के लिए है, यहाँ पे फ़ी है 40,000 के आसपास, ट्यूशन फ़ी है। बीसीए के लिए 45,000 यहाँ पे फ़ी है, एमबीए के लिए 1,95,000 ट्यूशन फ़ी है, बीसीए के लिए और प्रोग्राम है 65,000 इसका ट्यूशन फ़ी स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो हम आपको जो भी इसमें ट्यूशन फ़ी जो भी कोर्सेज के लिए हैं सबका ट्यूशन फ़ी इसमें हम आपको दे दिखाए हुए हैं, आप वीडियो पॉज करके अपना कोर्स देख सकते हैं। दोस्तों ये था आपका एडमिशन से रिलेटेड, अब हम आपको बात करेंगे इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कैंपस टूर का भी वीडियोज हम देख लेते हैं ताकि वहाँ पर एक आइडियाज़ लग जाए कि किस तरीके का वहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। College years can make or break you. Each student entering college wrestles with the uncertainty that comes with stepping outside the confines of school and entering a brave new world. Hindustan University embraces these aspirants, giving them a grand platform to give flight to their dreams. One of the most sought after universities in India, Hindustan provides a safe space for learning and growing. Not just as professionals, but as good human beings. Hindustan Group of Institutions was founded in 1966 by the late Dr. K.C.G. Verghese when he established the Hindustan Engineering Training Center. The Hindustan Institute of Technology and Science was later established in 1985 and was given university status. The founder's dream was fulfilled. It was stated by the great philosopher Emerson that every institution is the lengthened shadow of a single person. When you talk about the history and the growth of the institution, Hindustan Group of Institutions, it is Dr. K.C.G. Verghese whose lengthened shadow is all the institution and the educational empire that we are seeing today. Hindustan is home to learners from different parts of India as well as those from around the world living up to international standards in education. The student exchange program reveals its commitment to global education. Faculty in our university comprises of renowned academicians, researchers and industrial experts. Faculty of HITS are handpicked from the best lot having good academic records and industrial experience and exposure. Each faculty once employed are engaged in various training programs on best pedagogical practices and research activities. Among the special courses offered at Hindustan are aeronautical and aerospace engineering, has advanced laboratories and experienced faculty in the field of aircraft design. The university's School of Law offers 5-year integrated courses for BA LLB and BBA LLB. A well-equipped moot court hall enables students to hone their court craft. The highlight of Hindustan's liberal arts program is visual communication, where students learn how to work with the technology used in both digital and print publication. Apart from these courses, Hindustan also has a variety of undergraduate, postgraduate, diploma and doctoral programs in fields such as architecture, management and fashion. State-of-the-art laboratories and workshops make the university a dream destination. During the last 2 years, 2 years over, we were under lockdown and all, it has badly impacted our globally impacted every sector, and education sector was not an exception.
And during the period, online education has flourished. Everyone has, because it is said the most disruptive period, the most innovative solutions emerge. We have tied up with Coursera, because Coursera is a platform where students have got very valuable information, classes, courses developed by foreign universities and other industry experts. Among other things, the university boasts of a research and resource center that supports the teaching, research, and extension programs. A stack area, reference section, and a digital lab encourages learners to dig deep and broaden their horizons. KITS is well known for co-curricular and extracurricular activities along with academics. We have 56 student clubs which keep the students active round the clock in the campus. Few of the student clubs to mention are Literary and Cultural Club, which nurtures literary and fine arts talents, Culinary Club for exploring newer culinary talents, Toastmasters Club for mastering the articulation talent, Astro Club for stargazing. Apart from that, we also have various sports clubs, especially for horse riding, cycling, football, athletics, and so on. Every year, we produce over 20 national level players with excellent caliber. Our students who have represented this institution in various national and international level tournaments have been placed in notable government institutions. We are proud that university has produced finest sports persons such as Mr. Shah Rukh Khan, Mr. Washington Sundar, who are accomplished Indian cricketers, Ms. Darshini, an Indian basketball player, and Nandakumar, Indian football player. The facilities provided by Hindustan enhance the campus life of students. Separate hostels for boys and girls with well-furnished rooms and modern amenities that create an atmosphere conducive to studying. The canteen and recreational areas on campus make for great hangout spots. The placement and corporate affairs center at KITS supports and nurtures the dreams of students to excel in career and higher education. Students are given continuous training on various topics related to soft skills, technical aspects, and awareness programs are also delivered on various options for career, entrepreneurship, and higher education. The placement is about 85%, and more than 200 plus companies visit the campus every year for placement. There is never a dull day in the life of an HITS student. From your first day to your last, there is much to do, explore and cherish. It is a place. तो दोस्तों, आपने देख लिया, ये टोटल कैंपस टूर का वीडियोस था जिसमें आपको यहाँ पे सारे इक्विपमेंट, क्लासमेट, क्लासरूम दिखाए गए और यहाँ पे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी दिखाएगा। दोस्तों, ये था तो ओवरऑल आपको हम यूनिवर्सिटीज का जो कंटेंट हम आपको दिखा दिए। अब आपको इवेंट, उसके बाद मेरा वीडियो समाप्त होगा। ट्रैक मार्टी ആലായാൽ തറൽ വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിന്നു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. तो दोस्तों, ये है हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का वीडियोस, आपने पूरा देखा। अब इससे रिलेटेड हम मैंने सारा क्वेश्चन को कवर किया इसमें और सारा इंक्वायरी को मैंने कवर और किया मेरे तरफ से। अगर आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ कंटेंट रहेगा तो उस पर हम डेडिकेटेड वीडियोज़ बना देंगे
और अगर उसमें कुछ जवाब देने लायक रहेगा तो हम शॉर्टकट में भी हम कमेंट में आपको जवाब दे देंगे। अगर आप इस तरीके का यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी रिलेटेड प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी हैं और काफ़ी कम रेवलेंट पैसे में आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरफ से मैं बता दूँ, जैसे कि सुहार्ती यूनिवर्सिटी मेरठ में है और एक महर्षि मकनेश्वरी यूनिवर्सिटी अम्बाला का भी वीडियोज़ है, LLPU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, संचिरो यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी का वीडियोस पहले से बना हुआ है। लगभग 60 से 70 यूनिवर्सिटी का वीडियोस पहले से बना हुआ है, तो एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और सारा चीज़ का डिटेल्स हम बताए हुए हैं तो आप वहाँ पे से भी देख सकते हैं। कॉलेज आप चुनना आसान हो गया, हम आपको मदद कर रहे हैं इसमें, तो हमें सपोर्ट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर लीजिए। और इसी से रिलेटेड वेबसाइट हमारा है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्या है, सारा फैसिलिटी आप मेरे वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और ऊँचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये दिया हुआ है, तो उस बस इसी का नाम से है। तो ये था ओवरऑल हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का वीडियोस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए।